छोटी बात पे खुश रहना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना तुमने सिखा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान होना अपने आप में ही बहुत मुश्किल होता है। एक ह्यूमन बीइंग होना, एक इंसान होना बहुत मुश्किल होता है अपने आप में ही। लेकिन हर दिन जो भी कुछ हम करें, चाहे वो फिर आप कोई डिसीजन ले रहे हो जिंदगी में या फिर कोई काम कर रहे हो, हमारे छोटे छोटे डिसीजंस हमारा कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। चाहे वो डिसीजंस किसी को हेल्प करने के लिए हो या फिर वो डिसीजंस शायद हमको आगे बढ़ाने के लिए हो या बस ऐसे ही मस्ती करने के लिए हो, या फिर हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, जब हम बोलने से पहले जो सोचते हैं, अगर हम बोलने के पहले ये डिसीजन ले ले कि जो हम बोलने वाले हैं क्या वो नाइस है, क्या वो काइंड है, बस अगर हम इतना सा कर ले ना, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। और हमेशा ना आखिरी में बोलना सीख, क्योंकि जब हम अपनी पूरी एनर्जी इस चीज में लगा देते हैं कि जो सामने वाला है, क्योंकि वो हमारे साथ एग्री नहीं कर रहा है, तो हम उसकी बात सुने बिना उसको काट कर और अपने डिसीजंस ले लेते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ रॉन्ग। क्योंकि जब हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं किसी के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में ये ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, क्या हम उसको अच्छे से जानते हैं, या फिर क्या वो जो भी कुछ कर रहा है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो, वो जो भी कुछ कर रहा है, क्या हमें उसके पीछे का रीज़न पता है। अगर हमें नहीं पता है ना, तो हमें पता करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी और के बोलने पर अगर हम लोगों के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगे या हम ये सोचने लगे कि कोई अच्छा है या बुरा है जस्ट बिकॉज हमारे फ्रेंड्स या हमारे फैमिली मेंबर्स या हुएवर या फिर शायद मीडिया कोई भी कुछ भी कह रहा है किसी के बारे में और हम मान लेते हैं, किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे मत आइए। मैं कहती हूँ पहले उस चीज़ को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम किसी के मंशा को पहचान जाएंगे, चाहे उनसे बात करके या उनसे वो क्यों कर रहे हैं ये सब निकलवा कर, जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे, तो आप लोगों के बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन बना पाएंगे। दैट इज़ व्हाट शुड हैपन। हमें हमारे ओपिनियंस बनाने चाहिए बेस्ड ऑन आर ओन एक्सपीरियंसेस, कि हमारे साथ वो इंसान कैसा है, राइट? एक ही जिंदगी मिली है ना हमें। अगर हम दूसरों के ओपिनियंस पे अपनी जिंदगी जीना चालू कर देंगे, तो इट्स नॉट वर्थ इट ना। हो सकता है आपके कुछ बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो दोस्त बनने से रह जाएं। हो सकता है कि आप जिनको अच्छा दोस्त मान के बैठे हुए हैं वो शायद आपके दोस्त ही ना हो। पता है, एक इंसान की जो पहचान है वो उस सर्कमस्टेंस में होती है जब आप असल में मुश्किल में हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं या रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि आपकी मदद के लिए खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब आप सेफ हाथों में हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो यू शुड नो कि हु यू शुड बी फ्रेंड्स विद। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सपोर्ट बनकर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कौन कौन आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आप जो मस्ती करना है करो, कोई टेंशन नहीं। देखिए, दोस्त होना बहुत अच्छी बात है, अच्छे दोस्त होना और भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ऐसे दोस्त होना जो आपके लिए फैमिली बन जाए, जो आपके लिए सच में केयर करते हों, वो होना एकदम प्राइसलेस है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप दूसरों को, दूसरे लोगों को या उनके कैरेक्टर को किसी और के ओपिनियन के कारण मत अपने खुद के डिसीजंस लीजिए। और जब ना आप अपने खुद के डिसीजंस लेंगे, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आपके जो डिसीजंस हैं वो इस चीज पे बेस होंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं।
इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू डू दैट. और मेरे वो दोस्त जो अभी मुझे सुन रहे हैं और हमेशा मुझसे बोलते रहते हैं कि मुझसे उन्हें मिलना है, बात करना है, तो मैं आपके लिए ये दो लाइनें कहना चाहूँगी. बहुत लंबी बात करनी है तुमसे, तो माना पूरी एक जिंदगी लेकर. अच्छा, तो अब चलती हूँ और जल्दी ही मिलूंगी. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी आवाज़ को सुनते रहिए. आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को मेरे YouTube चैनल पर. फॉलो दिस वॉइस.